आप कृष्ण कृष्ण करते हो, यदि मरने के बाद आपको यह प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि भगवान है ही नहीं, तो सब विफल रहा। आप कितना कुछ मस्ती कर सकते थे, मौज मस्ती मनोरंजन कर सकते, इंद्र तृप्ति कर सकते थे, सब कुछ त्याग करके संत साधु बने बैठे हैं। यदि मृत्यु तत्पश्चात आप प्रत्यक्ष दर्शन किए कि भगवान का अस्तित्व है नहीं, तो सब कुछ विफल गया। मंद मंद मुस्कुराए शिला प्रभुपाद जी और कहने लगे, एकदम बरोबर आपने जो कहा यह सही है। यदि मृत्यु तक पश्चात हम ये जान लें कि भगवान नहीं है, फिर भी लाभ ही लाभ हुआ। एकादशी उत्सव, झूलन यात्रा उत्सव, नरसिंह चतुर्दशी उत्सव, ये उत्सव वो उत्सव, यहां कथा वहां कीर्तन, यहां प्रसाद यहां ये वहां वो, करते करते आजीवन तो हम सिर्फ इंद्र तृप्ति किए हैं, आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति। अब इसके बाद यदि भगवान ना भी हो, फिर भी हमने जीवन जी लिया। अब मैं प्रश्न पलट कर आपको पूछता हूं, प्रभुपाद जी ने बोला, यदि आपने आजीवन इंद्र तृप्ति की और मृत्यु तक पश्चात आपने प्रत्येक दर्शन किया कि कृष्ण है, तो आप तो फंस गए।